रोटी बैंक के माध्यम से आप वर्षों से लोगों को खाना खिला रहे हैं, भोजन सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ उपक्रम है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये नियमित रूप से ये सेवा चलती है? रोटी बैंक इंदौर MY अस्पताल है, यहाँ पर पिछले 8 वर्षों से डेली निःशुल्क रूप से भोजन की सेवाएं रखता है। जो बाहर से मरीज और उनके परिजन लोग आते हैं उनको एक व्यवस्थित रूप से अनुशासन के माध्यम से उनको भोजन उपलब्ध हम लोग करवाते हैं। लगभग 8 वर्ष पहले जो मेरे पिताजी थे वो किसी एक ब्लड डोनर को लेकर MY अस्पताल आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ भोजन से लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं, कि जितनी ज़्यादा भीड़ है उतनी मात्रा में भोजन नहीं आ पा रहा था। तब उन्होंने मुझे बताया, फिर हम लोगों ने एक फेसबुक पर इंदौर रोटी बैंक के नाम से एक ID बनाई हम लोगों ने, और उस ID के माध्यम से जो भी फ्रेंड हम लोग जुड़ते थे उस समय पर उनसे एक निवेदन करते थे कि आप जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं उस कॉलोनी के एक मंदिर पे या कोई ऐसी विशेष जगह जहाँ पे सब लोग जाते हों वहाँ पर एक डब्बा लगवा लीजिए, आप रोटी बैंक का एक बॉक्स आप लगवा लीजिए। जब भी आप अपने बच्चों को लेकर या किसी को भी लेकर मंदिर जाएं तो अपने घर की बनी हुई 2 ताज़ी रोटियाँ आप उस बॉक्स में आप डालिएगा। सब्जी ना डालिएगा, क्योंकि सब्जी आप तीखी खा सकते हैं, मसाले वाली खा सकते हैं, वो अस्पताल में उपयोगी नहीं है, तो सब्जी हम लोग रेडी करवाते थे। ऐसा 2014 के आसपास हम लोगों ने इंदौर की 13 कॉलोनी में बॉक्स लगाए थे। लगभग 1,500 रोटी हम लोग डेली इकट्ठा करते थे और रोटियों को लेकर हम लोग MY अस्पताल जाते थे और अपनी सब्जी खुद बनवा कर उसको अस्पताल में हम लोग डेली उसको बांटते थे। ये इसको हम लोग प्रतिदिन हम लोग करते आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम लोगों ने कोई छुट्टी नहीं की। जैसे कोई बड़ा त्यौहार आ जाता है तो उस त्यौहार के हिसाब से हम लोग भोजन तैयार करवाते हैं। जैसे अगर संक्रांति आ गई है तो तिल्ली के लड्डू है और भी जो उनके आइटम्स बनते हैं, अपने मूंगफली, अपने मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है, मूंग के भजिए बनते हैं, ये सारे हम लोग तैयार करवाते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अस्पतालों में त्यौहार के दिन जो लोग पड़े हुए हैं वो अपने घर को बहुत याद कर रहे होंगे, तो अपने घर पे जो पकवान बनते हैं वो लोग नहीं खा पाते, इसीलिए उन लोगों के लिए हम लोग पकवान बना के त्यौहार के हिसाब से लेकर जाते हैं। दीपावली है तो दीपावली वाले पकवान उन अस्पताल वाले लोगों के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो मेन त्यौहार के दिन अपने घरों से बहुत दूर हैं, इसलिए हम लोग ये व्यवस्था उनके लिए रखते हैं। बीच में कोरोना काल का कठिन समय भी आया, इस दौरान क्या सेवा रही है आपकी ओर से? और वैसे हम लोग डेली लगभग 300-400 लोगों के लिए भोजन सेवाएं रखते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये सेवा 6 गुना हो गई थी। लगभग 2500 पैकेट हम लोग डेली बनवाते थे। पालदा पे एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात किया, मजदूर जो उनके थे वहाँ पे और उनके मशीन लगी हुई थी वो सारा हम लोगों ने पूरा सेटअप जमाया, राशन इकट्ठा किया और हम लोग डेली 2500 पैकेट हम लोग उसको बनवा के एक व्यवस्थित पूरा प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने कि एक जगह भोजन बनेगा, एक गाड़ी उसको लेके 3 इमली स्क्वायर के जो ब्रिज के वहाँ पर आएगी, फिर अलग अलग एरिया से लोग वहाँ पर आएंगे, जो रिक्वायरमेंट है उतने पैकेट्स लेकर अपने अपने एरिया में वापस जाएंगे। ताकि एक व्यवस्थित इसलिए किया ताकि ये पूरा किसी पर भार ना पड़े और अव्यवस्था ना फैले कि मालूम पड़े कि किसी एरिया में भोजन पैकेट नहीं जा पा रहे और किसी एरिया में 2 गाड़ियां चली गई हैं। एक पूरा व्यवस्थित प्रोग्राम बनाया और लगभग 2500 पैकेट हम लोग प्रतिदिन हम लोग हमने पूरे इंदौर शहर में जहाँ से भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट कॉल आते थे हम लोगों ने नंबर वायरल कर रखे थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे हम लोगों ने दे रखे थे जैसे ही कोरोना काल स्टार्ट हुआ था। और फिर हम लोग 2500 पैकेट पूरे इंदौर शहर में हम लोग डेली पहुंचवा रहे थे। अच्छा, बाकी उसके अलावा MY के जो पैकेट्स आते थे 300-400 पैकेट वो अलग थे, वो हम लोग MY से दो जाते ही थे हमारे सारे पैकेट। अभी वर्तमान में लगभग कितने लोगों को अपन खाना खिला रहे हैं? और डेली 400 लोग पूरा भोजन हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, उनको रोज व्यवस्थित रूप से अधिकतर लोगों को जानकारियां हो गई हैं वहाँ पे गार्ड इन सबके माध्यम से, जेंट्स और लेडीज की अलग अलग लाइन लग जाती है, हमारा एक काउंटर लगाते हैं बकायदा, आगे लोग आते हैं अपने और अपना उनके बर्तनों में। पहले हम लोग डिस्पोजल यूज करते थे लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्पोजल बैन किया है हम लोगों ने डिस्पोजल में देना बंद कर दिया है। वो अपने खुद के बर्तन, डब्बे, जो भी उनके पास व्यवस्थाएं रहती हैं वो खुद अपने जिनको भोजन चाहिए वो लेकर आते रहते हैं और हमसे भोजन लेते हैं, और अधिकतर लोग तो वहीं बैठ के भोजन करते हैं, उनको फिर से लगता है तो उन्हीं बर्तनों में फिर से हम लोगों से भोजन भी ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जब शुरुआत हुई थी तो आप भोजन कहीं ना कहीं अलग अलग घरों से कलेक्ट करते थे और उसको जरूरतमंदों तक पहुँचाते थे, तो वर्तमान में क्या क्रम है, अभी भी कलेक्ट किया जाता है या फिर आपने खुद की रसोई तैयार कर ली है? शुरुआत में जो हम लोगों ने किचन रोटी बैंक के बॉक्स लगाए थे उसमें बहुत सारी समस्याएं लग गई थी, जैसे अगर कोई व्यक्ति बाहर चला जाता था या कोई प्रोग्राम होते थे तो हम लोगों को रोटियां कम हो जाती थी, लेकिन हम लोगों को कम से कम 1000 रोटियां डेली चाहिए होती थी। जिस दिन रोटियां कम होती थी हम लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, सब मेंबर्स हम लोगों ने बात किया और हम लोगों ने एक खुद का रोटी बैंक का किचन सेटअप कर दिया कि यहाँ पे सारा खाना एक जैसा बनेगा और पूरा बन के रोटी बैंक की गाड़ी जो हमारे पास में उसका MY अस्पताल जाएगा और वहाँ वितरण किया जाएगा पूरा का पूरा। इससे कहीं ना कहीं समय की भी बचत हुई। हाँ जी, इससे एक तो रोजगार, क्योंकि वर्किंग लोग हैं आपके पास, हम लोग दिन में व्यवस्था हम लोग अपने अपने काम धंधों में रहते हैं दिन में और शाम तब तक भोजन बना के जो भाभियां आती हैं भोजन बना के रेडी कर देती हैं, हम लोग अपनी गाड़ी में भोजन को रखते हैं और MY अस्पताल में उसको पहुंचा देते हैं। इससे एक पूरा सेटअप बन गया, पूरा व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने इसको बना दिया है पूरा। जी ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय जोशी है।
रोटी बैंक इंदौर से।